बड़े भाई इस वक्त लंगड़ाते हुए आ रहे हैं और इनके पाँव में मौज लगी हुई। YouTube पे भी देख लिया करो यार, YouTube इस्तेमाल करते हो नहीं कारी साहब? ये शरारती बच्चे और इनकी हरकतें, पीछे पीछे दौड़ते हैं, व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। तो एक मरतबा फिर एक आखिरी नजारा, और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक मजे में होंगे। तो 3-4 घंटे के तवील सफर से आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं और आप देख सकते हो, ये देखें, ये पूरे का पूरा पहाड़ नीचे गिर रहा है। रोड का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं कि कराची के रोडों से हम तंग थे और यहाँ के रोड माशाल्लाह, ये देखें क्या कहना है इन रोडों का। और आपको दिखाते हैं, अगर खुदा ना ख्वास्ता यहाँ से कोई गिर जाता है तो वहाँ जाके फिर मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तरबेला डैम में। ये देखे नज़ारे भी आपको दिखाते हैं, नीचे हमारा गांव है और यहाँ हमें नीचे जाना है। अभी तो बहुत दूर है और ये पहाड़ों का भी नज़ारा आप देख सकते हो। ये हमारे कारी साहब और ये कंडक्टर आरिफ, बहुत मुश्किल तरीन काम करते हैं, इनके काम चेक करें भाई। ये तो अभी आराम से अंदर बैठे हैं, लेकिन जब इस गाड़ी पर लोड होता है तो ये किस तरह गाड़ी को संभालता है और अपने आप को, बहुत मुश्किल तरीन मरहला होता है। ये देखें, अब हम खड़े तो हो नहीं सकते, आपको पता है हम इन चीज़ों के आदि नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहे हैं और उम्मीद है आप लोग मुकम्मल वीडियो वॉच करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो ये भाई, ये कौन से झंडे आ गए? ये गेर बाबा है भाई, जमरूद बाबा, जमरूद, और कोई गेर बाबा कह रहे हैं, कोई जमरूद बाबा कह रहे हैं, लेकिन कोई होगा, कोई बाबा शाबा है भाई। और अभी आपको दिखाते हैं, ये देखें, इस वक्त हम तरबेला डैम के करीब और ये नज़ारे पहाड़ों के, और ये देख सकते हो आप करीब से करीब अपने गांव और तरबेला डैम के नज़ारे भी आपको दिखाएंगे। ये आप देखें, और ये हमारे अब्दुर्रहमान भाई बैठे हुए, पता नहीं फेसबुक में लगे हुए हैं। भाई यूट्यूब पे भी देख लिया करो यार, यूट्यूब इस्तेमाल करते हो नहीं कारी साहब? कभी कभार, कभी कभार, आज के बाद रोज करेंगे, क्योंकि आप अपनी वीडियो भी इसमें देखेंगे, सही है? हाँ, अपनी वीडियो भी देखें। और ये देखें कारी साहब, ये कौन सा दरख्त कहलाता है? ये छोटे छोटे दरख्त जो है, इसको पश्तो में क्या, ओड़ास के बोलते हैं, ओड़ास के बोलते हैं। ये शवा है, ये शवा है, और वो तो बिक्याना, बिक्याना कामबेला शरीफ है, कामबेला शरीफ, इंजर है, इंजीर, इंजीर कौन सा, ये वाला जी, यही वाला जी सामने नजर आ रहा है, ये इंजीर का दरख्त। भाई इस तरह दरख्त तो कराची में होते ही नहीं, इसलिए हमें ना इसका इलम है। और ये आराम से, आराम से, शेख अब्दुल रहमान भाई यहाँ के मुकामी है, तो इन्हीं को बताओ कि कौन, और ये कौन सा दरख्त है? ये भी शवा है, ये भी शवा है, ये कोई फल फ्रूट देता है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं देता, सिर्फ छांव देता है। और ये करीब से करीब तरीन, ये भी वही शवा, ये भी शवा है, सूख गया है, सूख गया है। और इस वक्त गांव के नज़दीक से नज़दीक ये फजाई नज़ारा आप देख सकते हो, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और नीचे जो आपको बहुत बड़ा एक दरख्त नज़र आ रहा होगा शायद, हाँ नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ का कदीम तरीन दरख्त है, पुराने ज़माने का, सुना है कि कई सौ साल पुराना है, कई सदियों पुराना दरख्त है। अब इस पे तो पहुंचना नामुमकिन है क्योंकि डैम तकरीबन फुल है। वो दरख्त, एक मिनट, अब रोड की कंडीशन ऐसी है कि भाई अगर हम आपको फोकस करेंगे दरख्त तो हम कुछ और हो जाएंगे। तो ये दरख्त,
और ये हमारे बुनियर के साथी भी मौजूद हैं, अब्दुल वली भाई, और ये हमारे दूसरे साथी और बच्चे दौड़ते हुए आ रहे हैं, और ये शरारती बच्चे और इनकी हरकतें पीछे पीछे दौड़ते हैं। और गांव तकरीबन पहुंच गए, और अब ब्रेक मारेंगे। आखिरी नज़ारा तरवेला डैम का फजाई नज़ारा आपको एक मरतबा फिर दिखाते हैं, और फिर वीडियो व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। तो एक मरतबा फिर एक आखिरी नज़ारा तरवेला डैम का। गाड़ी रुक चुकी है और हम इस दरख्त की बात कर रहे थे आपसे। ये दरख्त जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कदीम दरख्त है, कई सौ साल पहले किसी ने लगाया था। और ये तरवेला डैम और ये पहाड़ी इलाका। इस वक्त हम गाड़ी से उतर चुके हैं और बड़े भाई के पैर में मोच लगी है काफी पैदल पैदल चलने के बाद। ये आप देख सकते हो बड़े भाई इस वक्त लंगड़ाते हुए आ रहे हैं और इनके पाँव में मोच लगी हुई और हंसते हुए भी आ रहे हैं। और हम तो फिट हो गए लेकिन बड़ा भाई अनफिट हो गया है। इनके साथ हमारा दूसरा बड़ा भाई है, ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल फिट है, इनको सहारा दे रहे हैं। तो वीडियो आपने देखी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियो मिलती रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।